पुनीत सुपरस्टार ने भाई कमाल ही कर दिया है। मैं तो पुनीत का कोई कंटेंट देखती नहीं हूँ, बिकॉज वो कभी पेस्ट डाल लेते हैं अपने सर पे, कभी कुछ कर देते, कीचड़ में लड़ जाते हैं। पर मुनव्वर फारूकी के बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाई है, तो अब पुनीत ने अपनी वीडियो देखने के लिए मुझे भी प्रेरित कर लिया है और मुझे भी मजबूरन वो वीडियो देखनी ही पड़ी। पर जब मैंने वो वीडियो देखी तब मुझे लगा कि भाई इस वीडियो के ऊपर तो गॉसिप करनी चाहिए, पुनीत सुपरस्टार की तो गॉसिप मेरे चैनल पे होनी ही चाहिए। तो फिर मैं ले आई कि भाई क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बोली है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पुनीत सुपरस्टार जो है ऐसी बातें बोलेंगे, बट हर एक बंदा जो है कंटेंट कुछ अलग बनाता है बट होता कुछ अलग है, और पुनीत सुपरस्टार एक्चुअली में कुछ अलग भी हैं, सिंपल भी है अपनी लाइफ में, बट लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी झाका ताकी करना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनीत सुपरस्टार ने ये बात बोला कि ये हिंदू मुस्लिम के जो तुम लोग नारे लगा रहे हो ना, इन सब चीज़ों को बंद करो। जब गरीब को भूख लगती है ना, तब उसको जब रोटी मिलती है तब वो नहीं पूछता कि ये हिंदू हिंदू की रोटी है या ये मुस्लिम की रोटी है। तो ये सब चीज़ें तुम लोग करना बंद करो। मुनव्वर फारूकी जो कि जो है लोगों को खाना खिलाता है, 2 लाख लोगों को खाना खिलाता है या 2 लाख रुपए का अपनी इनकम से खाना खिलाता है, जब वो जीत जाएगा तब वो कितने गरीब लोगों का पेट भरेगा, इस चीज़ को सोचो और प्यार करो और हिंदू मुस्लिम के नारे लगाना बंद करो। ये बात जो है पुनीत सुपरस्टार ने बोली है और मैं पुनीत सुपरस्टार की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ भाई। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।